हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट लेके आया हूँ जो कि मेघालय IMC शिलोंग रेंजर की तरफ से आया है, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरे बने रहे और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को नोटिस दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग दोस्तों ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी IMC सोसाइटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेंजा शिलोंग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिकली आप लोगों का ITI का एडमिशन की नोटिस है। तो दोस्तों ITI अब इतना ज़रूरी हो चुका है कि बिना ITI आप लोग कुछ जॉब भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, और ITI का स्कोप बहुत अच्छा होता है, ठीक है दोस्तों। जिसका ITI डिप्लोमा होता है उन लोगों का जॉब मिलने का चांसेस बहुत अच्छा खासा होता है। तो अगर आप लोग भी सोच रहे थे कि ITI का डिप्लोमा लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका एडमिशन अब स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों एडमिशन टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शिलोंग मेघालय अंडर IMC क्वार्टर फोर सीजन 2022-23-24। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो IMC क्वार्टर फोर सीजन 2022-23-24, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन आर हार बी इन्वाइटेड फ्रॉम परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ मेघालय फॉर एडमिशन टू गोव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेंजा शिलोंग टू फिल अप द लिमिटेड फोर सीट्स इन ईच टेरेट अंडर IMC क्वार्टर ड्यूरिंग सीजन 2022-24 अंडर सीजन अपग्रेडेशन। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है कि IMC के अंडर आप लोगों का डिप्लोमा स्टार्ट होगा, ठीक है। और फोर सीट्स है ईच ट्रेड्स के लिए, मतलब सभी ट्रेड्स के लिए फोर सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का ट्रेड क्या क्या है, आप लोग क्या ट्रेड लेना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, स्टेनोग्राफी इंग्लिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स, सिविल कारपेंटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद सिस्टम मेंटेनेंस, डिजिटल फोटोग्राफी, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ऑपरेटर एवेंट्स मैकेनिक्स, ड्राइवर कम मैकेनिक्स, सोलर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, उसके बाद बेगर एंड कॉन्फिशनर। तो दोस्तों अगर आप लोगों का इन सब में इंटरेस्ट है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा चांसेस है। तो एडमिशन कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस रेट 2200 ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी कलेक्ट फ्रॉम ऑफिस एट द रेट ऑफ 50 रुपीज ओनली। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन प्रोवाइड अभी कर रहा है वो लोग, आप लोग ऑफिस पे जाके डायरेक्ट 50 रुपीज़ दे के एप्लीकेशन फीस लेना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों को 200 देना पड़ेगा, ठीक है, एडमिशन करते वक्त। तो उसके बाद लिखा दोस्तों एप्लीकेशन मस्ट हैव अटेंड 14 ईयर्स एगो, मतलब आप लोगों का एज 14 ईयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देयर इज़ नो अपर लिमिट, तो अपर एज लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आप लोग 14 एबोव है तो आप लोग इन ट्रेड्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास एंड क्लास 8 पास डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड एंड प्रेस्क्राइब एंड रिस्पेक्टिव सिलेबस। तो दोस्तों इन सब ट्रेड्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों के लिए चाहिए सिर्फ 10 पास, ठीक है। अगर आप लोग 10 पास है सिर्फ तो आप लोग इन ट्रेड्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग क्लास 8 भी पास हो तब भी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब इन ट्रेड्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं आप लोगों के सिलेबस के ऊपर। उसके बाद कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड शुड डी अटेन पास मार्क इन साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ऐसा कुछ उन लोगों ने यहाँ पर मैंशन किया है, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 सितंबर 2022, याद रखे दोस्तों इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन है 12 सितंबर 2022, ठीक है। तो सिलेक्शन यहाँ पे आप लोग दोस्तों, सिलेक्शन विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जितना हो सके आप लोग जल्दी से एडमिशन कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग पहले एडमिशन कर लेते हो तो आप लोगों का बहुत अच्छा खासा चांसेस है आप लोगों को एडमिशन मिलने का, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो लोग, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है, जो पहले जाएगा उसका ही एडमिशन होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है एडमिटेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट कॉशन मनी ऑफ रेट 1000 रुपीज ओनली रिफंडेबल एंड ट्रेनिंग फीस ऑफ 8000 रुपीज ओनली नॉन रिफंडेबल एट द टाइम एडमिशन एंड अनदर 8000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ सेमिस्टर 3 इन केस ऑफ 2 ईयर्स कोर्स। तो यहाँ पे उन लोगों ने फीस का
कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन मनी आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि 1000 रुपीज़ का है। उसके बाद ट्रेनिंग फीस आप लोगों का सही है 8000, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेमिस्टर्स के लिए आप लोगों का सही है 8000 और, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने कुछ फीस के डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लेना। और ये इंस्टीट्यूट आप लोगों को पता ही है शिलोंग पे है, ठीक है। ये शिलोंग पे है, रेंजा, जगह का नाम है रेंजा शिलोंग, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट एडमिशन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था इस नोटिस का अपडेट। अगर वीडियो को देख के कुछ इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू मिथिला एंड कांचीकान।